बॉयकॉट करने के लिए एक साथ आया बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुष्का सिंह। हिंदुस्तान इस वक्त कड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो कभी तूफानों का सामना कर रहा है, तो कभी पाकिस्तान के आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो कभी टीडियों को नष्ट करने के नए नए तरीके आजमा रहा है, और साथ ही साथ चीन और भारत के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहे हैं, इस वक्त भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है चीन को उसी की तरह जवाब देने की। चीन को इस वक्त उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी हो रही है लद्दाख बॉर्डर पर। चीन और भारत के बीच लद्दाख बॉर्डर पर तनाव कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। जाने माने शिक्षा सुधारकार सोनम वांगचुक, जिसका किरदार आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स में रांचो के रूप में निभाया गया था, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स की। उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग चलाया है कि हमें अब चीनी जितने प्रोडक्ट्स हैं हमें उन्हें बॉयकॉट करना ही होगा। आपको बता दें कि उनका साथ बॉलीवुड के कई हस्तियों ने दिया। जाने वाले हस्ती अरशद वारसी ने भी उनका समर्थन किया और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन ने भी उनका साथ दिया अपना टिकटॉक का अकाउंट डिलीट करके। आपको बता दें कि बॉलीवुड के हस्ती अरशद वारसी ने भी हमें यही जानकारी दी है ट्विटर के थ्रू कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे भारत में कई ऐसे चीनी प्रोडक्ट्स हैं जो तुरंत तो नहीं हटाए जा सकते और तुरंत तो हम नहीं अलग कर पाएंगे उन्हें अपने निजी जीवन से, पर शुरुआत करने में क्या दिक्कत है। उनका मानना है कि जितना जल्दी हो सके हमें चीनी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। उन्होंने ट्विटर द्वारा हम लोगों को यह आग्रह करने की भी कोशिश की है। और आपको जानकारी दे दें कि सोनम वांगचुक का जो वीडियो इतना ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें रिएक्ट्स और लाइक्स आ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ख़ास बात कही है अपने उस वीडियो में कि हमें चीन को जवाब सिर्फ बुलेट की पावर से नहीं देना है, साथ साथ वॉलेट की भी पावर से देना है। और उनका मानना है कि जितना जल्दी हो सके हमें चीनी प्रोडक्ट्स को उतनी जल्दी अपने जीवन से बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कितना वक्त लगेगा हमें चीनी प्रोडक्ट से बाहर आने में, और दूसरा क्या तनाव कम होंगे बॉर्डर पर। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है इस वक्त चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने की।